अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप सबके ठीक ठाक हैं? काफ़ी अर्से से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो सोचा आज किसी चीज़ को डिस्कस करने या कोई वीडियो मैं बना दूं। अच्छा, अब जिस चीज़ के बारे में मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस या फिर कमेंट्स आए हैं वो ये थी कि हमने अपना EIN जो है अप्लाई कर दिया SS4 फॉर्म के थ्रू, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 2 वीक्स हो गए हैं, 3 वीक्स हो गए हैं, तो उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले एक दो क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक चीज़ तो ये है कि मतलब कुछ लोगों ने, ज़्यादा नहीं, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि जी आप मिसगाइड कर रहे हैं। मिसगाइड करने में बात क्या थी जी? उसने कहा कि ईफैक्स का जो अकाउंट है वो कैंसिल नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो आपने गलत बताया, कैंसिल नहीं होता। मेरी डिडक्शन भी हो गई है और मेरा अकाउंट भी कैंसिल नहीं हुआ। तो उसके लिए जो हमें करना होता है ना, अब आप देखें, कोई भी, अब अगर आप काम कर रहे हैं ना, आपको चाहिए कि करेक्टली पहले उसको समझें, समझने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करें। अब अगर आप कोई छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, उसकी वजह से आपका कोई काम खराब हो जाता है, तो आई डोंट थिंक कि ये एक अच्छा बिहेवियर है कि आप उस बंदे की वीडियोज पे जाके कमेंट करने लग जाएं कि आप मिसगाइड कर रहे हैं, और जबकि पता आपको खुद को सही तरह से ना चल रहा हो। कुछ लोगों ने ऐसे किया है, ऑब्वियसली हर तरह के लोग होते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसमें अब ये है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि कैंसिल करने का मेथड क्या है। जो आप ईफैक्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसको आप कैंसिल किस तरह से कर रहे होते हैं? मैं ऑनलाइन अकाउंट तो नहीं खोल के दिखा सकूंगा, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, उधर से मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आपने जब ईफैक्स का पैनल खोल लेना है या फिर डैशबोर्ड ओपन कर लेना है, तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहे होते हैं। उसमें आपने अपडेट अकाउंट पे क्लिक करना है। अपडेट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपने बिलिंग में जाना है। बिलिंग में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे कैंसिल माई अकाउंट का ऑप्शन होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, वो आपसे कुछ चीजें पूछेगा कि आपको कोई बैकअप वगैरह करना है तो वो आप कर लें, या फिर आपकी जो फाइल्स हैं वो लॉस्ट हो सकती हैं, ये और वो, तो आपने उसको स्किप करते जाना है। और आपसे वो शायद आपको कोई ऑफर वगैरह भी दें कि हम कम पैसों में आपको कंटिन्यू करवा सकते हैं अगर आप करना चाहें। वो आपकी मर्जी, अगर आप करना चाहें तो कर लें, नहीं तो कोई मसला नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ ये है कि हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आपने फैक्स किस नंबर पर करनी है। फैक्स जो है ना, IRS का जो फैक्स नंबर है वो ये नंबर है। आप इस नंबर पर फैक्स कर रहे होंगे, प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग करेक्ट नंबर एंटर करें फैक्स सेंड करते हुए। अगर आप गलत नंबर एंटर करें तो ऑब्वियसली आपको कोई रिस्पांस नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट ये है कि अगर फर्ज करें आपने अप्लाई कर दिया है और ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है। 1 वीक का मतलब ये है कि अगर फर्ज करें मैं आज अप्लाई कर रहा हूँ और आज मंडे है, तो नेक्स्ट मंडे तक मैं वेट करूंगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मंडे की बजाय आप ट्यूजडे तक वेट करें। अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तब आप उसके बाद जो है मतलब ट्राई करें लेने के लिए EIN। वो किस तरह से लेंगे उस पर हम इंशाल्लाह अभी डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, उसमें क्योंकि होता ये है कि उन्होंने बिजनेस डेज की बात की होती है। मंडे टू फ्राइडे जो है उनके बिजनेस डे होते हैं, सैटरडे संडे उनका ऑफ होता है। अगर फर्ज करें आप फ्राइडे को अप्लाई कर रहे हैं, तो सैटरडे संडे तो दरमियान में वैसे ही ऑफ आ गया, उसके बाद आपका पहला दिन जो काउंट हो रहा होगा वो मंडे का दिन काउंट हो रहा होगा। अच्छा, अब अगली चीज ये है कि उनको कॉन्टेक्ट आपने किस तरह से करना है। IRS को कॉन्टेक्ट करने का सिंपल मेथड है, ये उनका फोन नंबर है, आप इस फोन नंबर पे डायल करते हैं। डायल करने के बाद आपको जो है कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो बोल रहा होता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये है कि लोगों ने ये कमेंट्स किया या फिर ये क्वेश्चन थे लोगों के कि हम कॉल कर रहे हैं तो कोई कॉल पिक नहीं कर रहा। आपने मेक श्योर करना है कि आप कॉल किस टाइम कर रहे हैं। US टाइम के हिसाब से 7 AM to 7 PM, मतलब ईस्टर्न टाइम जो है उसको फॉलो कर रहा होता है IRS, तो उसके हिसाब से आपने देख लेना है। 7 बजे की बजाय बल्कि आप 8 बजे ट्राई करें, EST लिख के सर्च कर लें गूगल पे, और उसमें आप देखें कि क्या टाइम बन रहा है, तो उस टाइम के हिसाब से आपने कॉल करनी है। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू कॉल IRS? वो हमारा होता है 2 PM to 5 PM, बट EST मतलब ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। तो ये चीज़ आपने चेक कर ली है, लेनी है, और इस टाइम में आपने कॉल करनी है। ठीक है, अब ऑब्वियसली मुझे तो मैं ये सारा कुछ नहीं आपको बता सकूंगा कि हमारे कौन सा टाइम में उनका कौन सा टाइम चल रहा होगा, तो ये चीज़ आप खुद भी देख लें। और इससे मुझे एक जो है चीज़ याद आई, हमारे जो पाकिस्तानियों का खासतौर पे या फिर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये मसला होता है कि आप क्या करते हो कि आपको कोई वीडियो मिल गई नेट पे कि इस तरह से आप ये वाला काम कर सकते हैं, तो हम लकीर के फकीर बन जाते हैं कि ये काम यहाँ पे क्लिक करके हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो बस मतलब ये कि हम मतलब घबरा जाते हैं, और ये कि हमें लगता है कि ये काम हो ही नहीं सकता। आप ये देखें कि वीडियोस किस लिए होती हैं, सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए, बाकी आप लोगों को खुद भी रिसर्च करनी चाहिए। गूगल आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, वीडियोस देखें, गूगल पे आर्टिकल्स पढ़ें, रिसर्च करें, वेबसाइट्स को देखें, और इधर उधर से देखने के बाद फिर आप आके क्वेश्चंस पूछा करें। अब लोग क्या करते हैं कि कोई छोटा सा मसला आया, उन्होंने सीधा जाकर कमेंट करना है, वैसे भाई ये मसला आ गया, इसमें अब क्या करें।
अब मैं बता दूंगा वहां कमेंट में कि आप इस तरह से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उन्होंने उधर से एक स्टेप आगे जाना है, अगले स्टेप का फिर दोबारा से पूछने लग जाना है कि अब यहाँ पे ये मसला आ गया, मैं क्या करूँ। आप देखें कि अगर आपको लगता है कि आप ये वाला काम नहीं कर पा रहे तो प्लीज आप लोग मतलब ये कि खपने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी बंदे का आउटसोर्स कर दें, हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर लें। अगर आपका फर्ज करें कोई क्लाइंट है या मल्टीपल जो आपके क्लाइंट्स हैं आपके पास आ रहे हैं लेकिन किसी काम में आपको मुश्किल हो रही है, फर्ज करें ये या नंबर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा, आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करें, उनके साथ जिस तरह से भी आपकी निगोसिएशन होती है उसकी बेस पे आप जो है उनके साथ बात करें और हम आपको ये यही दे देंगे। लेकिन इसमें ये नहीं है कि मैं अपनी कोई प्रमोशन या मार्केटिंग वगैरह कर रहा हूँ, अगर आप खुद कर सकते हैं तो बेस्ट मेथड यही है कि आप खुद से अप्लाई करें। लेकिन अगर आप चीजों को समझ सकते हैं, मतलब एक दफा आपको चीज बताई जाए तो आपको समझ आ जाती है, या फिर ये कि आप रिसर्च कर सकते हैं, आप चीजों को ढूंढ सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ सकते हैं, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो टीम से कॉन्टेक्ट करने वाला मेथड है, जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, जो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं किसी जगह पे आके कि हमें अब बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो बजाय एक एक चीज पूछने की, आप किसी भी सीनियर से पूछेंगे ना तो वो आपको नहीं बता रहा होगा, लेकिन अलहमदुल्ला ये कि मेरे से किसी ने कोई भी चीज पूछी है तो मैं उनको गाइड कर रहा होता हूँ। तो आप सिर्फ मतलब अगर आपको आइडिया से सारी बात समझ आ जाती है तब आप क्वेश्चन किया करें, नहीं तो फिर मैंने आपको ऑप्शन बता दिए। अब आते हैं हम अपने असली टॉपिक की तरफ कि अगर आपने IRS को कॉन्टेक्ट करना है अपना EIN लेने के लिए, आपको 1 वीक से ऊपर टाइम हो चुका है अप्लाई किया, अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तब आपने किस तरह से करना है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इनको कॉल कर देनी है इस नंबर पे, ऑपरेटर बोल लेगा और ऑब्वियसली आगे से आपको काफी लंबा जो है वेटिंग टाइम मिल सकता है, मतलब आधे घंटे से 1 घंटा तो नॉर्मल चीज है, मतलब आप इस चीज के लिए रेडी रहें कि 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा आपकी कॉल जो है वो चलती रहेगी, दरमियान में नेट का कोई इशू आ गया या कोई भी इस तरह का इशू आ गया आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी, आपको दोबारा फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। तो ये सारे अपने मैटर्स जो है आप सॉल्व करके उसके बाद कॉल करें, ठीक है। अच्छा, अब कॉल करने का टाइम भी बता दिया, कॉल करने का नंबर भी बता दिया, आप कॉल करेंगे आपका कंप्यूटर ऑपरेटर जो है आगे से बोल रहा होगा, वो आपसे कहेगा पहले मेरा ख्याल है लैंग्वेज सिलेक्शन का है, उसमें आप वन प्रेस करते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट हो जाती है, नेक्स्ट आपसे वो और क्वेश्चन आपको बता रहा होता है, दोबारा अगेन आप कुछ प्रेस करते हैं तो आपसे वो EIN का कहते हैं कि अगर आप EIN के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं तो 2 डायल करें या 3 डायल करें, इनमें से कोई होगा तो वो आप डायल करते हो। उसके बाद आपको एक और मेन्यू मिलता है जिसमें आपको वो ये कहते हैं कि अगर आपने EIN SS4 फॉर्म के थ्रू अप्लाई किया हुआ है लेकिन आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तब आप ये बटन प्रेस करें, वो शायद होगा नंबर 4, तो 4 आप प्रेस करेंगे, उसके बाद आप वेटिंग लाइन में लग जाएंगे, आधा घंटा 1 घंटा हो सकता है 15 मिनट बाद ही आपकी बारी आ जाए, डिपेंडिंग अपॉन के उनके पास कितना रश है, कितने लोग कॉल्स कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आपकी कॉल मिल जाएगी आगे से ऑपरेटर बोलेगा, अपनी ID बताएगा और ये मतलब जो उनका होता है फॉर्मल उस तरह से वो आपको ग्रीट करेगा। नेक्स्ट फिर आप क्या कहेंगे, आपने उनको कहना है कि मैंने जो है अप्लाई किया है EIN के लिए इस डेट को, फर्ज करें आपने 1 वीक पहले अप्लाई किया था और उस दिन डेट बन रही थी 8 जुलाई, आपने कहना है कि मैंने 8 जुलाई को अप्लाई किया था लेकिन मुझे अभी तक आपकी तरफ से EIN नहीं इशू हुआ, या फिर ये कि मुझे कोई भी लेटर जो है वो रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियसली उर्दू में बात नहीं करनी, इंग्लिश में आपको बात करनी पड़ेगी, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आप किसी और बंदे से भी बात करवा सकते हैं, तो ये चीज़ आपने खुद मैनेज करनी होगी, ऑब्वियसली वो लोग इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं तो आपको इंग्लिश में ही इस चीज़ को टैकल करना पड़ेगा। आपको जो पहला क्वेश्चन उनकी तरफ से किया जाएगा वो आपसे हो सकता है कि पूछ लें कि आपका नाम पूछ सकते हैं कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, आपने फर्स्ट नेम अपना नहीं बताना, जो नाम आपने यहाँ पे लिखा होगा ना रिस्पॉन्सिबल पार्टी में आप वो नाम बता रहे होंगे, वो आपके क्लाइंट का नाम भी हो सकता है लेकिन अगर आपने अपने लिए अप्लाई किया तो ऑब्वियसली आप अपना नाम बता रहे होंगे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आपसे वो पूछ रहे होंगे, वो आप उनको बता देंगे और ट्राई करें कि आप उनको स्पेलिंग्स बता दें क्योंकि ऑब्वियसली हमारे एक्सेंट्स का फर्क है तो उन्हें समझ नहीं आ रही होती, तो आप कुछ भी बता रहे हैं, चाहे नेम बता रहे हैं या फिर मेलिंग एड्रेस बता रहे हैं या फिर काउंटी या स्टेट बता रहे हैं या सिटी बता रहे हैं, आप सब कुछ उनको स्पेलिंग्स में बताने की ट्राई करें तो गलती का इम्कान कम हो जाता है, क्योंकि होता यह है कि वो भी आपकी एप्लीकेशन सर्च कर रहे होते हैं आपके नाम से, आपके LLC के नेम से, आपके मेलिंग एड्रेस से, अगर आप कुछ भी थोड़ा बहुत गलत बताते हैं तो ऑब्वियसली आपकी एप्लीकेशन उन्हें नहीं मिलेगी और इन रिजल्ट ये कि वो कहेंगे हमें आपकी एप्लीकेशन नहीं मिली या ये कि आपका ये नंबर आपको नहीं मिल रहा होगा, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। नेम आपसे पूछा जा सकता है, आपका एंटिटी नेम आपसे पूछा जाएगा कि आपकी एंटिटी का नाम क्या है, वहां पे जो आपने LLC का नाम लिखा था अप्लाई करते हुए, मतलब आपने SS4 फॉर्म जब जिससे अप्लाई किया था ना वो फील्ड फॉर्म आपने अपने सामने खोल के रख लेना है, आपसे वो एंटिटी का नेम पूछेंगे, एंटिटी का नेम आपने बता देना है, एंटिटी का नेम बताने के बाद आप बताएंगे अपना मेलिंग एड्रेस, अगर वो पूछ रहे हैं तो मेलिंग एड्रेस आप बता रहे होंगे, स्टेट सिटी एंड जिप कोड आपसे पूछेंगे वो आपने बताना है, नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबल पार्टी वो हम पहले बता चुके होंगे आपसे, जब फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पूछ रहे होंगे, नेक्स्ट आपसे वो पूछेंगे कि आपके पास SSN ITIN या ITIN या फिर SSN है
आपने कहना है कि नो, ठीक है, सिर्फ नो कहना काफी होगा, फॉरन वगैरह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं फॉरन हूँ या इस तरह से कुछ। अच्छा, नेक्स्ट आपसे वो पूछेंगे सिंगल मेंबर एलएलसी है, तो आपने कहना है हाँ जी सिंगल मेंबर है। नेक्स्ट आपसे वो पूछेंगे कि आपकी जो एलएलसी है वो यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर से ऑर्गेनाइज हो रही है, तो इसको आपने यहाँ पे अगर यस किया तो यस पे कर दीजिएगा, अगर नो पे किया तो आप नो बताएंगे। दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीके से आपको ये इशू हो जाता है। जैसे आपने SS4 फॉर्म में लिखा होगा सेम एज इट इज आपने वहाँ बताना है। नेक्स्ट आपसे वो पूछते हैं कि आपकी जो एंटिटी टाइप है वो क्या है। हमने यहाँ पे फिल किया होता है फॉरेन ओन्ड यूएस डिसरिगार्डेड एंटिटी, वो आपने उनको बता देना है। लेकिन हो सकता है स्टिल वो आपसे मजीद क्वेश्चन करें कि नहीं आप हमें बताएं आप सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर अंडर आते हैं या फिर पार्टनरशिप या फिर कॉपरेशन के अंडर आते हैं, तो इनमें से आपने उनको बताना है कॉपरेशन, ठीक है, क्योंकि हमारी टैक्सेशन वगैरह जो होती है एलएलसी की वो कॉपरेशन के तकरीबन उससे मिलती जुलती हो रही होती है। अच्छा, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है कि हाँ जी, इसमें आपसे वो पूछेंगे कि आपका जो डेट बिजनेस स्टार्टेड, नॉर्मली ये भी होता है कि आपसे वो पूछते हैं कि लाइन नंबर 11 पे क्या लिखा हुआ है, आपने वो बता देना है। लाइन नंबर 16 पे क्या है, मतलब इस तरह से आपको नंबरिंग के हिसाब से भी बता रहे होते हैं। लेकिन अगर नहीं भी बता रहे तो आपको वो लाइन बोल के बता रहे होंगे कि डेट बिजनेस स्टार्टेड जो है वो आप बता दें। जिस डेट को आपकी एलएलसी फॉर्म हुई है वो आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे भी देख सकते हैं, वो आपने यहाँ पे उनको बता देनी है, ठीक है, डेट बता देंगे। उसके बाद आपसे वो पूछ सकते हैं ये एग्रीकल्चर हाउस होल्ड एंड अदर्स, समटाइम्स बहुत रेयर केसेस हैं लेकिन वो पूछ सकते हैं, वो आप उनको वही बताएंगे कि सब में मैंने जीरो ही फिल किया हुआ है। नेक्स्ट आपसे वो क्या पूछ सकते हैं, आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आपका जो डेजिनेशन है एलएलसी में वो क्या है, आपकी कंपनी में आपका डेजिनेशन क्या है। आपने कह देना आई एम द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, या फिर आपने बता देना है कि आई एम द मैनेजिंग मेंबर, या फिर आपने कह देना आई एम द सीईओ, इस तरह से आप उनको बता देंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपका, उसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा होगा कि आपका जो फोन नंबर वो पूछ सकते हैं। फोन नंबर आप जो आपने यहाँ पे लिखा है वो भी बता सकते हैं, या फिर कोई और फोन नंबर, यूएस फोन नंबर जैसे आप कॉल कर रहे हैं आप उसे भी बता सकते हैं, जो नंबर आप चाहें उनको बता सकते हैं। अच्छा, ये सारी डिटेल्स बताने के बाद ना आपको क्या कहेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो आपके ऑनर की है वो आप बता दें, ऑब्वियसली उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा लेकिन फिर भी करेक्ट बताएं तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, नेक्स्ट अब क्या होगा आपका कि आपसे जो है वो कहेंगे ठीक है, अगर आपको ये इशू हो गया, वो कहेंगे आपके पास पेन पेन और पेपर है, आपने कहना है हाँ जी है, और आपको फिर कहेंगे कि यार आप जो है ये नोट करें अपना जो EIN है, तो वो आपने नोट कर लेना है अपने पास किसी पेपर पे या फिर अपने पास किसी डॉक्यूमेंट पे नोट करना है कंप्यूटर ऑन करके। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब फर्ज करें ऑब्वियसली हमारे पास एक EIN नंबर हमें इशू हो चुका होगा, वो आपको उन्होंने बोल के बता दिया होगा, लेकिन हम चाहते हैं हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट हो। आपने उनको कहना है कि मुझे 147C ये फॉर्म का नाम है, ये फॉर्म आप मुझे फैक्स बैक कर दें, ठीक है। उसी टाइम आपसे वो फैक्स नंबर आपका पूछते हैं और आपको उस पर वो फैक्स सेंड कर देते हैं ड्यूरिंग द कॉल, ठीक है। तो ये चीज आपने उनको कह देनी है, तो आपके पास EIN भी आ जाएगा, आपका EIN वाला डॉक्यूमेंट भी आ जाएगा।